हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो अभी तक की जितनी भी वीडियोस देखी हमने, उसमें देखा ट्रांसपोर्टेशन मेथड की डिफरेंट मेथड्स को। इन मेथड्स में हमने देखा कि हमारा किस मेथड में ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है, बैलेंस भी देखा, अनबैलेंस भी देखा। अभी तक हमने देखा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमारा सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट लग रही थी। तो हम अब वही चीज को टेस्ट करने के लिए हमारी उसकी ऑप्टिमलिटी, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह रहे थे हम। जैसे हमने पहला आप बैलेंस का क्वेश्चन देखते आएंगे तो उसमें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में 102 रुपीज इसका आंसर निकल रहा था, बाकी सबसे मिनिमम यहीं पर कॉस्ट लग रही थी। तो अब वही चीज चेक करनी है कि जो हमारा 102 रुपीज निकला था क्या वो ऑप्टिमल है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, जो क्या कहता है, इट इज टू फाइंड वेदर द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक हो गया, क्या जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक हो गया। Now, उसके दो मेथड्स हैं, दैट इज स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसे आप मोदी मेथड भी बोलते हैं, मोदी मेथड, ओके, और यूवी मेथड, यस यूवी मेथड, एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड को स्टेपिंग स्टोन मेथड ही कहते हैं। अब देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर ये क्या होते हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या कहता है, इन दिस अ क्लोज्ड पाथ इज ट्रेस्ड फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल। जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल होती हैं, जैसे अपनी अभी तक अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन की जितनी मेथड करी थी उसमें हमने देखा था कि कुछ इसमें ऑक्यूपाइड थी, कुछ नॉन ऑक्यूपाइड थी या अनऑक्यूपाइड थी। तो अगर बाई चांस ये ऑक्यूपाइड अगर हम बोले तो नॉन ऑक्यूपाइड ये है हमारी, अनऑक्यूपाइड जिसमें हमने कोई भी सप्लाई या डिमांड नहीं करी थी। तो वहां पर क्या कह रहा है कि एक क्लोज पाथ हर एक किसके लिए आप सर्च करते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। जैसे अगर हम क्लोज पाथ यहां पर देखें, जैसे मैंने इसको ये दे दिया तो मैंने कहा इसके लिए मुझे एक क्लोज पाथ देना है, या फिर मैंने कहा कि इसके लिए एक क्लोज पाथ देना है। ठीक, जैसे ये मैं एज ए एग्जाम्पल ले रही हूं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा इसके लिए क्लोज पाथ देखना है, तो इसके लिए क्लोज पाथ क्या होगा आपका, इस तरीके से क्लोज पाथ होना चाहिए कि ये पूरा 90 डिग्री जाए और ऑक्यूपाइड में जाए, फिर 90 डिग्री आए ऑक्यूपाइड में आए, फिर 90 डिग्री आए ऑक्यूपाइड में आए, और एट द एंड ये पाथ यहां पर मिले। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक हो गया। इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है हमें हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। ठीक हो गया। तो बहुत सारे बार रिपीटेशन, बहुत सारे बार क्लोज पाथ बनते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चन में। देन सेल इवैल्यूएशन आर फाउंड। अब ये क्या कहलाते हैं, जो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए जो वैल्यू हमारी निकलती है वो होती है आपकी सेल इवैल्यूएशन। ठीक हो गया, वो सेल इवैल्यूएशन कहलाया जाता है, आर फाउंड। तो जितने भी अनऑक्यूपाइड है उन सबके लिए सेल इवैल्यूएशन निकलेगा। एंड द सेल विद द मोस्ट नेगेटिव इवैल्यूएशन, और जो जितने भी आंसर निकलेंगे इन सब सेल्स के, उसमें से जो मोस्ट नेगेटिव होगा, मोस्ट नेगेटिव इवैल्यूएशन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक सेल बन जाएगा। मतलब कि जो नेगेटिव वाला होगा तो वो बेसिक सेल बन जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहां पर क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, यहां पर क्या है, सेल इवैल्यूएशन भी फाइंड आउट होंगे हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, बट यहां पर हर एक के लिए क्लोज्ड पाथ बन रहा था, लेकिन यहां पर क्लोज पाथ सिर्फ सिंगल बनता है। ठीक हो गया। तो यहां पर देख लेते हैं, इन दिस सेल इवैल्यूएशन ऑफ All the unoccupied cell are calculated simultaneously and
only one close path for the most negative cell is stressed. मोस्ट नेगेटिव सेल के लिए एक क्लोज पाथ बनता है, यहां पर हर एक के लिए क्लोज पाथ बनते हैं। तो इन दोनों में से जो बेटर ऑप्शन होता है तो वो हम कहते हैं आपका मोदी डिस मेथड या यूवी मेथड होता है। ठीक हो गया। नाउ अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, वही देखते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन करा है बैलेंस में, उसको स्टेपिंग स्टोन से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर नहीं निकलता है देन बेसिक सेल निकलने के बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप हम जब स्टेपिंग स्टोन की बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप देखेंगे कैसे उसे सॉल्व करेंगे। हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे, एक इटरेशन वाला एक बिना इटरेशन वाला। तो नेक्स्ट वी इसके आगे देखते हैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को स्टेपिंग स्टोन मेथड से कैसे सॉल्व करना। जैसे कि मैंने बताया था स्टेपिंग स्टोन मेथड या मोदी मेथड क्या है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए है। अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए देखा जाएगा क्वेश्चन को किसके लिए, चाहे नॉर्थ वेस्ट से करो, चाहे वोगल से करो, चाहे आप रो मिनिमम से करो, कॉलम मिनिमम से करो, लीस्ट कॉस्ट मेथड से करो, आप किसी भी मेथड को का के क्वेश्चन को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। नाउ अब देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप नंबर वन है चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो डिमांड आपकी सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। वी विल सी दैट 3374 इज इक्वल टू 6 5 प्लस 6, तो ये आपका कितना आ गया 17 इज इक्वल टू 17। हम ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक देख लिया है कि हमने पांचों मेथड से क्वेश्चन करा था ये बैलेंस वाला, और उसमें से जो बेस्ट निकल के आया था वो क्या था आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट इज 102 आंसर। तो आपको जब स्टेपिंग स्टोन मेथड करना होता है तो पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिस भी मेथड से पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर ऑप्टिमल पूछा है तो यू कैन डू दैट विथ वैम, आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 4 1 3 2 7 6 4 5 1 7, सप्लाई आपकी है 6 5 6। तो आपने देखा होगा हम सबसे पहले क्या करते थे, पेनल्टी फाइंड आउट करते थे। पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना था, मिनिमम वालों को दो मिनिमम वैल्यूज को का डिफरेंस निकालना। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ये 1 है, इसमें भी 1 आ गया आपका, इस वाले में आपका 1 एंड 4, इट्स मीन 3 हेयर 1, इसे भी 1 3 एंड दिस इज 5। मैं इसमें ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रही क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को करा था। मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देती बट वो फिर समझने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता, इस वजह से मैं इसे दोबारा से सॉल्व यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक हो गया। नाउ जो हमारी मैक्सिमम पेनल्टी निकलती है उसमें आप वैल्यू को सप्लाई और डिमांड उसकी फुलफिल करते, तो आपकी यहां पर 5 निकली है मैक्सिमम, और यहां पर आप चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम आपकी क्या है 1 है, तो आप यहां पर कितनी है डिमांड आपकी 4 है, सप्लाई आपकी 6 है, तो यू कैन पुट डिमांड हियर। अब आपके पास सप्लाई कितनी बच गई, ओनली 2। अगेन इट्स मीन ये फुलफिल हो चुकी है, दिस विल डिस्कार्ड, और फिर आपके पास बच गए 2 3 4 3 2 5 4 7 1। ठीक, ये आपकी 2 5 6, दिस इज सप्लाई, मैं एस और डी लिख दे रही हूं, डिमांड 3 3 एंड 7। ठीक हो गया। नाउ अगेन वी विल फाइंड आउट पेनल्टी, हम पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यूज ऑफ रो एंड कॉलम, ये भी 1 आ गया, ये भी आपका 1 एंड दिस इज 3। नाउ नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे दिस इज 1, ये भी आपका 1 आ गया, और ये आपका 3 आ गया। ठीक हो गया, आपका 3
वन वन वन। अब आपकी मैक्सिमम पेनल्टी एक ये है और एक ये है। आप यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका मिनिमम क्या है, वन, इसका मिनिमम क्या है, ये भी वन है। तो इट्स मीन आप इसको सब डिमांड को पूरी करें या सप्लाई को पूरी, बात बराबर है। तो आपने क्या करा, सिक्स यहाँ पर पुट कर दिया, दिस विल कैंसिल आउट, और अब यहाँ पर कितनी बच गई है, ओनली वन आपकी डिमांड बच गई है। थर्ड, अगेन हम यहाँ पर आते हैं, इट्स मीन दिस इज कैंसिल आउट, टू थ्री फोर, थ्री टू एंड सेवन। आपकी यहाँ पर सप्लाई कितनी है, टू, दिस इज फाइव, यहाँ पर आपकी सप्लाई थ्री, थ्री और वन। ठीक हो गया, थ्री थ्री वन। नाउ नेक्स्ट, अगेन हम पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। पेनल्टी फाइंड आउट में वन वन एंड दिस इज थ्री, दिस इज वन एंड वन। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी यहाँ पर आ गई है। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, फोर मिनिमम है। सप्लाई आपकी टू है, डिमांड आपकी वन है। तो आपने क्या करा, वन आपने फुलफिल कर दी। अब क्या बची, ओनली वन। नाउ टू थ्री थ्री टू एंड योर डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई इज वन एंड फाइव, डिमांड इज थ्री एंड थ्री। ठीक हो गया, अगेन पेनल्टी वन वन, इधर भी पेनल्टी वन वन। आप पुट करेंगे उसमें जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड या सप्लाई को फुलफिल कर रही है। अब देखना यहां पर क्या है, मिनिमम इसका ये हो गया टू का, तो सप्लाई आपकी वन है, डिमांड आपकी तीन है। तो यहां पर अगर पुट करते हैं तो वन आता है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर मिनिमम टू है, इधर कितनी है आपकी सप्लाई, डिमांड तीन है, इसमें सप्लाई फाइव है। तो आप यहां पर पुट कर देंगे थ्री, ये कैंसिल आउट हो चुकी है और ये आपकी कितनी बच गई है, आप ओनली टू। अगेन टू एंड थ्री, योर डिमांड इज थ्री, सप्लाई इज वन एंड टू। अब यहां पर आप फुलफिल कर देंगे वन एंड टू। ठीक हो गया, यही चीज हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में देखी थी। अब इस यहां पर हम इसे पुट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेपिंग स्टोन मेथड करने के लिए यहाँ पर ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वन में क्या है आपका, फोर, सेकंड वन सिक्स, थर्ड अगेन फोर में वन पुट हो गया, टू एंड थ्री, टू में थ्री ऑक्यूपाई हुआ है, एंड हियर इसे थोड़ा सा टू एंड थ्री इधर लिख लेते, वन एंड टू। यहां तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आई विल रब इट, मैं इसे रफ कर रही हूं, और यहां इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, आप इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद पूरा के पूरे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो सेल एक नया बनाएंगे और उसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट। पहले हम वही चीज करेंगे जो अभी तक करते हुए आ रहे हो। ठीक हो गया, नाउ मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट थर्ड स्टेप है, कैसे करते हैं, टू इंटू वन प्लस फोर इंटू वन प्लस वन इंटू फोर प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री एंड वन इंटू सिक्स। हमें इसका आंसर पता है, इसका आंसर कितना है आपका, रुपीज 102 आपका आंसर। अब हमें जब देख लिया है कि इसका आंसर ये है, तो अब आप चेक करेंगे विथ स्टेपिंग स्टोन मेथड। आप यहां से शुरू करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड को, यहां से शुरू करते नेक्स्ट, ये थर्ड स्टेप था आपका। नाउ योर फोर्थ स्टेप इज apply stepping stone method। अब stepping stone method मैंने जैसे आपको बताया था कि
हम सभी अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड ऑल सेल इवेल्युएशन, आप जितने भी सेल इवेल्युएशन फाइंड आउट करेंगे फॉर व्हाट, अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, सभी अनऑक्यूपाइड, और सभी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए कैसे निकाला जाता है, आप निकालते हैं एक क्लोज पाथ बनाते हैं, ठीक हो गया। अब वो कैसे बनेगा हर किसी, सबसे पहले आप लिख लीजिए यहां पर जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल है, देखिए ये क्या है, 1 2 3 1 2 3 4, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं, ये कौन सा सेल हो गया, 1 एंड 2, तो हमने यहां पर लिख दिया C1 एंड 2, ठीक हो गया। सेकेंड हमारा कौन सा सेल बन रहा है, दिस सेल 2, 3। थर्ड दिस वन सेल नंबर 2, 4। देन सेल नंबर 3, 1। देन सेल नंबर 3, 2। देन सेल नंबर 3, 4। अब यहां पर देख लेते हैं अनऑक्यूपाइड सेल इतने ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। अब इन सब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है, मैंने यहां से लिया, मैं चाहती हूं एक क्लोज्ड पाथ बने, ऐसा बने कि जहां भी 90 डिग्री हमारा निकले तो वहां एक ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। जैसे इसके जाने के पाथ कितने हैं, 1, 2 एंड 3 जाने के पाथ है। अगर मैं इसको यहां को ले जाता हूं तो मेरे पास यहां पर आ गया, या फिर हम यहां पर जा सकते हैं, यहां पर आने के बाद इधर तो आ जाता है, यहां पर आ गया, इसके बाद मुझे यहां पहुंचना है लेकिन मेरे पास आगे पाथ नहीं है कोई भी ऑक्यूपाइड सेल का, तो मैं यहां नहीं जा सकती। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहां से यहां जाती हूं फिर यहां से यहां जाने का कोई पाथ नहीं है, तो यहां भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। अब मेरे पास सिर्फ क्या वैल्यू बची है, आइदर मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, वी विल चेक इट। यहां पर से अगर मैं जाती हूं तो मैं यहां पर गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, क्लोज पाथ बन गया, यस मैं ये पाथ को इस्तेमाल कर सकती हूं। नेक्स्ट, या फिर यहां से यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, तो पाथ कितना बन रहा है, सिर्फ 1, एक ही पाथ बन रहा है। एक पाथ मैं कहीं से भी ले लूं, चाहे आप यहां से ले लो, चाहे आप यहां से ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। कैसे, आप क्या करते हैं, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आप प्लस ले लेते हैं, प्लस वैल्यू काउंट कर लेते हैं, इस वाले वैल्यू को नेगेटिव करेंगे, इसको प्लस एंड इसको नेगेटिव, ठीक हो गया। तो आपका एक क्लोज पाथ बन चुका है यहां पर। नाउ नेक्स्ट, आप इसको कैसे यहां पर फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। लिखेंगे आप सी कौन सा सेल है, 1, 2 इन पॉजिटिव, नेक्स्ट इन नेगेटिव वैल्यू, देन दिस इज C2, 2। मैं ये वाला पाथ ले रही हूं, तो ये इसको एक बार फिर से चेक करके देख लेंगे कि दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। थर्ड आपने ये वाला ले लिया पॉजिटिव में, 2, 1, देन नेगेटिव में सेल 1, 1, हमने ये कुछ पाथ ले लिया, मैंने ये वाला पाथ लिया। अब कोई कहता है कि मैम ये वाला पाथ भी तो ले सकते हैं, तो आप इसको भी चेक कर लीजिए, इसके लिए क्या होगा, C12 minus C11 plus C21 minus C22। क्या ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करके देख लेते हैं। C12 में क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है, उसके बाद इसमें कितनी वैल्यू है आपकी, आप इस ये वाली वैल्यू चेक करेंगे, ठीक हो गया, जो पहले से ही दी हुई है आपकी, -2 + 3 - हाउ मच,
टू, क्या ये कितना आ रहा है? थ्री प्लस थ्री सिक्स, माइनस फोर तो कितना आ गया? टू आ गया, और कोई माइनस साइन है? नहीं है। वैसे इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, थ्री माइनस वन वन टू, इधर थ्री और इधर टू, तो कितना आ रहा? तो सेम ही आ रहा है। तो हमें इसको क्या है, किसी भी वे से अगर आप ऐसे लेना चाहें तब भी ठीक है, ऐसे लेना चाहें तब भी सही है। तो मैंने इस तरीके से ले लिया है, इस तरीके से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टू। यहां पर लिख लेते हैं इसको सही से, थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू, व्हाट विल बी द आंसर, टू। ऐसे सभी के लिए निकालेंगे, क्लोज पाथ निकालेंगे, और क्लोज पाथ के बाद आप इसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट, ये अब हमारा हो चुका है, ठीक। नाउ टू थ्री के लिए हमने निकाला है, हेयर टू थ्री सी टू थ्री, अब इसके लिए क्लोज पाथ देखते हैं। यस इसके लिए, इसके पास वन टू थ्री एंड फोर प्लेस है, आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्लोज पाथ क्या बन रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो वैल्यू क्या निकली, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सी टू वन प्लस सी वन वन माइनस सी वन थ्री। सी टू वन की वैल्यू कितनी है, सेवन, माइनस थ्री प्लस टू माइनस फोर, तो वैल्यू कितनी निकल गई, सेवन एट नाइन और सेवन, तो यहां पर भी टू आ गया। थर्ड के लिए निकालेंगे, इसके लिए, इसके लिए क्लोज पाथ क्या है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां। क्लोज पाथ का मतलब होता है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आप आएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट सी टू फोर माइनस सी टू वन प्लस सी वन वन माइनस कहां पर सी वन फोर, तो इसके लिए वैल्यू क्या निकली, सिक्स माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, तो ये इसके लिए क्या निकली, सिक्स सेवन एट, एट में से फोर गया फोर, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके लिए निकालेंगे सी थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा वन, वेर इज थ्री, दिस इज थ्री कॉमा वन, इसके लिए क्लोज पाथ देख लेते हैं एक, क्या इसके लिए, यस वन टू थ्री एंड फोर, तो क्या पाथ आ गया, सी थ्री वन, फिर यहां गए सी वन वन प्लस सी वन थ्री माइनस सी थ्री थ्री। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, फोर माइनस टू, फोर माइनस कितना है सी वन थ्री प्लस फोर माइनस वन, एट, एट माइनस थ्री फाइव, फाइव आ गया। नेक्स्ट इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए क्लोज पाथ क्या है आपका, क्या इसके लिए कोई क्लोज पाथ निकल रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब देखिए इसके लिए कोई क्लोज पाथ जैसे स्क्वायर में अभी तक निकला लेकिन यहां पर नहीं निकला, यहां पर क्या होगा, यहां से आपने स्टार्ट करा, फिर आपने देखा यहां आ सकते हैं, फिर यहां आ सकते हैं, फिर यहां आ सकते हैं, फिर यहां आ सकते हैं, यहां और फिर यहां, तो आपका ये पाथ थोड़ा सा बड़ा है, क्या हो गया, सी थ्री टू सी थ्री थ्री प्लस सी वन थ्री माइनस सी वन वन प्लस सी टू वन
that C टू टू और फिर एट द एंड ये पहुंच गया यहां. तो इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं. इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या लिखा, इसे थोड़ा सा यहां तक कर लेते हैं. सी थ्री एंड फोर बाद में कर लेंगे. टू थ्री वन फाइव, थ्री थ्री, थ्री थ्री वन प्लस फोर माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू. तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, फाइव नाइन ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव एट, ट्वेल्व माइनस फाइव सॉरी सेवन, ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन आपका निकल गया. अब C3 का निकालना है, इसे हम यहां पर कर लेते हैं. C थ्री फोर का निकालना है. थ्री फोर के लिए क्लोज पाथ वन टू एंड थ्री एंड फोर, ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक हो गया. तो C थ्री फोर माइनस C वन फोर प्लस C वन थ्री माइनस C थ्री थ्री. आप चाहे ऐसे ले चाहे ऐसे ले, बात सेम निकलेगी, आंसर हमारा सेम निकलेगा. वैल्यू देख लेते हैं. C थ्री फोर में आपकी सेवन, वन फोर में आपका वन, फिर आपका अगेन फोर एंड वन, तो कितना निकला, इलेवन माइनस टू नाइन. तो आपने देखा होगा, अब स्टेपिंग स्टोन मेथड कहता है कि अगर आपके जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल निकल ले या सेल इवेल्युएशन जो आपका निकल रहा है वो अगर आपका क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू अगर जीरो या पॉजिटिव आती है या जीरो से बड़ी आती है तो आपका मतलब है कि जो आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है दैट इज ऑप्टिमल वैल्यू, ये ऑप्टिमल है. आप स्टेपिंग स्टोन से इसको करा और हमारा निकल गया ये, यस दिस, इसको आगे इटरेशन करने की जरूरत नहीं है. तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड से, हमें पता लग गया कि यस अब जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला था 102 वो हमने चेक कर लिया है और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो आप इसका इसको फर्दर नहीं करेंगे और दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया. तो स्टेपिंग स्टोन मेथड यहां पर सॉल्व होती है. अगर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अगर इनमें से कोई नेगेटिव आ जाए, अभी तक हमने अगर पॉजिटिव आ गई तो आंसर सही है, अगर इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए अगर ये सेल इवेल्युएशन में, तो क्या करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर क्वेश्चन के साथ, इसमें कुछ डिफरेंस कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने के बाद देखेंगे क्या कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. और मैं इसको जितना सिंप्लीफाई होने की कोशिश होती है वो मैं कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी. थैंक यू.